बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे बहुत ही विशेष कार्यक्रम सफल किसान में। मैं हूं अंटू सिंह। सफल किसान एक ऐसा कार्यक्रम है जिसके माध्यम से हम आप तक पहुंचाते हैं देश की उभरती हुई उन प्रतिभाओं से जिन्होंने कृषि के क्षेत्र में कुछ नया किया है और वो स्वावलंबी बने हैं, आत्मनिर्भर बने हैं, आर्थिक रूप से मजबूत हुए हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने लिए तो नई जगह तलाशी ही, साथ ही अपने आसपास के लोगों को भी प्रेरित किया, उनके लिए भी रोजगार के नए माध्यम बनाए हैं। आज के सफल किसान में हम आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं कि ऐसे ही युवा किसान से जिन्होंने शहर की नौकरी छोड़कर अपने गांव वापस लौटना बेहतर समझा। जी हां, इनका नाम है हैदर अली। उन्होंने अपने पिताजी के बागों में अमरूद की नई वैरायटी को इंट्रोड्यूस किया और उसके परिणाम भी देखे। जी हां, इससे वो बन गए हैं हमारे आज के सफल किसान। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सफल किसान की, जिसमें हम बात करेंगे ऐसे ही युवा सफल किसान हैदर अली की। अमरूद उत्पादन के मामले में मशहूर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जहां अपनी गंगा जमुनी संस्कृत के लिए विशेष स्थान रखता है, वहीं यहां का अमरूद भी अपनी एक अलग पहचान रखता है। उत्तर प्रदेश के कई क्षेत्र अमरूद उत्पादन के लिए मशहूर हैं। प्रदेश में प्रयागराज, कौशाम्बी, बदायूं अमरूद उत्पादन के लिए प्रमुख जिले माने जाते हैं। इसके अलावा सहारनपुर, अयोध्या, मेरठ, आजमगढ़, जौनपुर आदि जिले भी अमरूद उत्पादन के लिए जाने जाते हैं। देश में अमरूद उत्पादन के मामले में 8 प्रमुख राज्यों में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर आता है। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार देश में उत्पादित होने वाले कुल अमरूद उत्पादन का 21.78% अकेले उत्तर प्रदेश में होता है। विशेषज्ञों का कहना है कि उत्तर प्रदेश की जलवायु और मिट्टी अमरूद उत्पादन के लिए अनुकूल है। प्रदेश के किसान पारंपरिक अमरूद की जगह अब नई वैरायटी के अमरूद के अच्छे पौधे लगा रहे हैं और बेहतर मुनाफा कमा रहे हैं। अच्छी गुणवत्ता वाले अमरूद की बढ़ती मांग को देखते हुए उत्तर प्रदेश के किसान अमरूद की बेहतर किस्मों को लगाने में रुचि दिखा रहे हैं। भारत कृषि निर्भरता वाला देश है। यहाँ की बड़ी आबादी अपना जीवन चलाने के लिए कृषि पर निर्भर है। विशेषज्ञों का आकलन है कि आज के दौर में प्रगतिशील किसान धान, मक्का, गेहूं की पारंपरिक फसलों के अलावा बागवानी फसलों को भी उगाने की ओर बढ़ रहे हैं। इससे उनके लिए खेती में बेहतर अवसर उपलब्ध हो रहे हैं। सरकार की प्रोत्साहन नीति के तहत सब्सिडी मिलने से किसान बागवानी फसलों को उगाने में एक अवसर मान रहे हैं। भारत में बागवानी फसलों में अमरूद उत्पादन का बड़ा स्कोप है। भारत की जलवायु में अमरूद इतना घुल मिल गया है कि इसकी खेती जहां अत्यंत सफलतापूर्वक की जाती है, अधिक सहिष्णु होने के कारण अमरूद की सफल खेती अनेक प्रकार की मिट्टी और जलवायु में की जा सकती है। गरीबों का सेब कहे जाने वाले अमरूद को स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभकारी माना जाता है। इसमें विटामिन सी अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसके अतिरिक्त अमरूद में विटामिन ए और बी भी पाए जाते हैं। भारत में अमरूद की प्रमुख किस्में इलाहाबादी, सफेदा, लाल गूदे वाला, चित्तीदार करेला, बेदाना तथा अमरूद सेव है। अमरूद के पारंपरिक पौधों की अपेक्षा बेहतर किस्म के पौधों से अच्छी पैदावार मिलती है। इसे जानकर उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ से करीब 200 किलोमीटर की दूरी पर स्थित शाहजहांपुर जिले के राबतपुर गांव के युवा किसान हैदर अली ने धान, गन्ना, गेहूं और सरसों की पारंपरिक खेती की जगह अमरूद की खेती करने का निश्चय किया और प्रारंभिक संघर्ष के बाद सफलता हासिल की।
बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई के बाद नौकरी कर रहे हैदर अली ने पिता के विरोध के बावजूद आधुनिक वैरायटी के अमरूद के पौधों को लगाया और आज अच्छी आय प्राप्त कर रहे हैं। आइए जानते हैं हैदर अली से इस बारे में, उन्हें अमरूद की फसल लगाने का विचार क्यों आया, अमरूद उत्पादन के लिए उन्होंने कैसे काम किया, आइए जानते हैं इस बारे में। मेरी जो स्कूलिंग स्टार्ट हुई वो नैनीताल से स्टार्ट हुई। मैं एक बोर्डिंग स्कूल में पढ़ा था, जब मैं क्लास वन में ही वहाँ पे चला गया था, ईयर 1999 में मैं वहाँ पे चला गया था बोर्डिंग में। फिर मैंने क्लास 12 तक वहीं पर ही पढ़ाई करी। क्लास 12 के बाद मेरा जो जर्नी थी वो मेरे को बाहर जाने की थी, कि मेरे को कहीं बाहर जाना था, बट कुछ प्लान नहीं हुआ। तो फिर मैंने एडमिशन बैचलर्स ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस में अमेठी नोएडा में हुआ। उसको कंप्लीट करने के बाद फिर मैंने ट्राई करा कि मैं लंदन चला जाऊं पढ़ाई करने के लिए, बट अल्टीमेटली वो फिर वर्कआउट नहीं करा। तो फिर मैंने मास्टर्स ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस में एडमिशन ले लिया। बीच में मेरे को मौका लगा तो मैं कुछ टाइम के लिए एक एडिशनल कोर्स के लिए लंदन चला गया था, बर्बेक यूनिवर्सिटी। मैंने वहाँ से अपनी पढ़ाई करी। वहाँ से आने के बाद मेरा कोर्स नोएडा में आके कम्प्लीट हुआ 2016 में। उसके बाद कॉलेज की तरफ से प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिली। तो प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज़ में मेरे को मेरा सौभाग्य था कि मेरे को वहाँ पे नौकरी लग गई। नौकरी के लिए मैं 99 एकर्स में मेरा प्लेसमेंट हो गया। तो वो जर्नी मेरी काफ़ी अच्छी रही। लगभग मैंने एक साल तक जॉब कर रहा था, बट उसके एक साल के बाद मेरे पिताजी, जो मेरा फैमिली बैकग्राउंड जो है वो फार्मिंग का है, तो उनको ज़रूरत लगी कि अब आपको घर पे आ जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मैन पावर की भी कमी थी और शायद एक नई सोच, एक नई दिशा जो हमारे देश को चाहिए उसकी भी ज़रूरत थी। तो उसके बाद जो था, मैंने सोचा कि अब शायद वक्त आ गया कि मैं इस प्राइवेट कंपनी को छोड़ के अपने घर वापस जाके, नौकरी को छोड़ के मैं वापस जाके अपना बिजनेस स्टार्ट करूँ। अमरूद की खेती करने का निश्चय कर हैदर अली ने शाहजहांपुर के जिला उद्यान अधिकारी से संपर्क किया, तो उन्होंने हैदर की ताइवान पिंक नाम की नई वैरायटी के अमरूद के पौधों को लगाने का सुझाव दिया। हैदर ने इस बारे में अपने पिता थैसर अली से चर्चा की तो वो सहमत नहीं हुए, क्योंकि ऐसा करने में रिस्क अधिक था। आसपास कहीं भी इस वैरायटी के अमरूद के पौधे नहीं लगे थे और ये काफ़ी खर्चीला भी था। हैदर अली ने पिता के विरोध के बावजूद रिस्क लेते हुए अपने पुराने बाग के 10 एकड़ में ताइवान पिंक वैरायटी के अमरूद के पौधे लगाने का निश्चय किया। इसमें हैदर को जिला उद्यान अधिकारी ने गाइड किया कि कैसे पौधे लगेंगे। तो बहरहाल मैंने ये अपना ऑप्शन समझा कि मैं वापस, मेरा जाना बेहतर है। तो वापस आने के बाद बहुत कुछ नहीं था करने के लिए, क्योंकि मेरे को खेती के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं थी कि मेरे को क्या करना है, कैसे करना है, क्या ज़मीन होती है, क्या बीघा, क्या एकड़, कुछ भी नॉलेज नहीं था। धीरे धीरे एक साल तक ऐसे वैसे वक्त कटा, टाइम थोड़ा सा निकला। टाइम निकलने के बाद सोचा कि अब कुछ करा जाए, क्योंकि खाली बैठे रहेंगे तो बेकार हो जाएंगे, तो कुछ करना शुरू करना चाहिए। करने के बाद कहानी ऐसी थी कि जो एक्सेस स्टार्ट हुआ वो इंटरनेट के थ्रू वीडियोस थोड़ा देखना शुरू करा कि अभी इस टाइम लेटेस्ट डेवलपमेंट क्या है, क्या चल रहा है, क्या होना चाहिए, हम क्या कर रहे हैं उसमें और कैसा इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो थोड़ा थोड़ा करके मैंने स्टार्ट करा। तो उसी के बीच में हमारे पुराने बाग जो थे वो अमरूद के भी थे, आम के भी थे, लेकिन अमरूद पर मेरा फोकस गया, क्योंकि अब इस टाइम पर जो हेल्थ बेनिफिट्स थे, जो बढ़ती बीमारियाँ हैं, आम आदमी कम से कम खाना चाहता है बिकॉज वेट इशूज़ हो जाते हैं, डायबिटीज़ हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन अमरूद के हेल्थ बेनिफिट इतने हैं कि डॉक्टर भी बहुत ज़्यादा रिकमेंड करें। तो मैंने एक सोचता हुआ कि फ्यूचरिस्टिक क्या है, तो मैंने सोचा कि अमरूद एक फ्यूचरिस्टिक। तो जब इंटरनेट के बाद ये सब बातें हुई तो फिर मैं हमारे जो ज़िला शाहजहांपुर के जो DHO हैं, मैं उनके पास गया। मैंने कहा कि सर ऐसे ऐसे बात है, मेरे पास ज़मीन है, सब कुछ है, बट मैं कुछ डिफरेंट करना चाह रहा हूँ, क्योंकि अब जो चीज़ें हैं वो वक्त जो है वो आगे का है, हमें डिफरेंट चीज़ें करनी चाहिए। तो उन्होंने मेरे को काफ़ी गाइडेंस दिया, उन्होंने मेरे को बताया कि कैसे आप कर सकते हैं, क्या चीज़ें नई आई हैं क्या। तो उन्होंने मेरे को एक वैरायटी बताई ताइवान पिंक, कि आप ये वैरायटी जो है ये मार्केट में सबसे लेटेस्ट है, आप इसको लगाइए। तो वापस आने के बाद मैंने अपने पिताजी से डिस्कस करा, मैंने कहा कि ऐसे ऐसे एक वैरायटी है और हमें पौध मंगानी चाहिए, ये बाहर से पौध आएगी तो अभी कहीं ज़िले में नहीं लगा है इसका। इससे पहले एक वेनार का बाग लगा हुआ था बट ताइवान पिंक किसी ने लगाया। तो हमने कहा कि हमारे पास एक फर्स्ट मूवर एडवांटेज रहेगा, रिस्क है लेकिन एक फर्स्ट मूवर एडवांटेज रहेगा, तो हमें करना चाहिए। तो पिताजी जो थे वो एक ट्रेडिशनल फार्मर हैं, वो पारंपरिक खेती, धान, गन्ना, गेहूं, सरसों, हमारे यहाँ यही खेती होती थी, मैंने हमेशा बचपन से अपने देखा। तो ये स्टेप लेना उनके लिए बहुत डिफिकल्ट था, क्योंकि जहाँ अमरूद की पौध एक 10 से 20 रुपये की आती थी, वहीं ये पौध 80 रुपये
के आ रही थी, तो वो बहुत डिफिकल्ट था उनको समझाना कि हमें करना चाहिए। तो जब हमने डिसाइड करा कि अब हम 10 एकड़ में ही लगाने जा रहे हैं, तो उन्होंने तब भी मेरी बात से बहुत सहमत नहीं हुए। उन्होंने बोला कि अब इसमें हम थोड़ा जो था वो अलाहाबादी सफ़ेद और L49 लगाएंगे और बाकी में ताइवान पिंक लगाएंगे। कहावत है, इच्छा शक्ति मजबूत हो तो सफलता मिलती ही है। इस कहावत को हैदर अली ने चरितार्थ किया। हैदर अली को ताइवान पिंक वैरायटी के अमरूद के पौधों को लगाने में काफी मेहनत करनी पड़ी। कड़ी मेहनत के बावजूद हैदर अली को पहले 2 वर्ष काफी नुकसान उठाना पड़ा। फसल खराब होने और भारी नुकसान का सामना करने के बावजूद हैदर अली ने जिला उद्यान अधिकारी से पुनः संपर्क साधा और उनके सुझावों पर अमल करके मुनाफा कमाया। अमरूद की खेती करने में सरकार से मिलने वाली सब्सिडी ने हैदर अली के इरादों को मजबूती प्रदान की। सरकार से मिली सब्सिडी की मदद के कारण ही आज हैदर अली अमरूद की सफल खेती कर रहे हैं। आइए इस बारे में जानते हैं हैदर अली से ही। जब हम ताइवान पिंक में उतरे तो उस टाइम भी हमारा DHO साहब ने हमें गाइडेंस दिया कि कैसे पौध लगेगी, क्योंकि वो जो पहले पौध लगती थी उससे ये बिल्कुल डिफरेंट थी। ये हाई डेंसिटी फार्मिंग कहलाती है, जो आदमी पौधे करीब करीब लगते हैं तो 7x8 पे लगते हैं। पहले तो 15x15 पे लगते थे, 7x8 पे पौधा लगता है एक एक। इनकी टाइम टू टाइम प्रूनिंग करी जाती है, इनको बहुत कुछ केयर रखा जाता है, जिसके बारे में मेरे को बिल्कुल नॉलेज नहीं थी। जितना कुछ सीख सकता था इंटरनेट से उतना सीखने की कोशिश करी, बट इंटरनेट और प्रैक्टिकली इम्प्लाई करने में बहुत डिफरेंस आ जाता है। तो जब इसमें आए तो पहले साल कुछ समझ में नहीं आया, दूसरे साल लगभग 80% फसल जो थी वो हमारी ख़राब हो गई, जो कि एक मेजर लॉस हो गया। तो फिर मैं गया उनके पास, मैंने कहा कि सर ऐसी सी बात है कि अब हमें क्या करना चाहिए। तो उन्होंने बताया कि अगर आपको फ्रूट फ्लाई से अपना फ्रूट बचाना है तो आपको इसमें बैगिंग करनी पड़ेगी, इसमें आपको फोम नेट लगाना पड़ेगा, इसमें आपको पॉलीथीन ऊपर से चढ़नी पड़ेगी, तो आपका ये फ्रूट कामयाब होगा। फ्रूट क्वालिटी भी तभी इम्प्रूव होगी, फ्रूट का साइज़ इम्प्रूव होगा और आप अच्छे से अच्छा फल ले पाएंगे। थर्ड ईयर से हमने वो तैयारी करना शुरू करी। हमने ट्रेडर से कॉन्टैक्ट करा गुजरात में, उन्होंने हमें वहाँ से फोम नेट और पॉलीथीन सप्लाई करा, हमने उस पर करा एंड ऊपर वाले का शुक्र है कि हमें फिर इतना प्रॉफिट हुआ जो हम सोच भी नहीं सकते थे। तो देखा आपने कि कैसे हैदर अली ने अमरूद की खेती में भी कमाल कर दिखाया। फिलहाल यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम आपको बताएंगे कि कैसे हैदर अली ने ताइवान पिंक वैरायटी के लिए अपने खेत में अन्य वैरायटियों को भी लगाया है और इससे कैसे उन्होंने एक नई तरह की वैरायटी डेवलप की है, जानेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए, गोल्डी सब्जी मसाले जहां जाए रिश्ते बढ़ाए, गोल्डी मसाले। Cut it. सोचिए अगर असल जिंदगी में ऐसी हालत हो तो कितनी मुश्किलें होती हैं, लेकिन शुक्र है बैंकिंग के लिए नहीं। अगर आपकी उम्र 70 साल से अधिक हो या आप दिव्यांग हो तो बैंक आपको कुछ जरूरी बैंकिंग सुविधाएं घर बैठे बैठे दे सकता है। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सफल किसान, जिसमें आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं शाहजहांपुर से संबंध रखने वाले सफल किसान हैदर अली से, जो कि अमरूद की खेती करते हैं। ब्रेक से पहले हमने आपको बताया कि कैसे नई वैरायटियों को इंट्रोड्यूस करके हैदर अली ने अमरूद की खेती में कई तरह के लाभ प्राप्त किए, किस तरीके से मल्टीपल वैरायटी से उन्हें यहाँ पर लाभ प्राप्त हो रहा है, आगे आपको ये भी बताएंगे। साथ ही ये भी जानेंगे कि अमरूद की खेती में कौन कौन सी विशेष बातें हैं या फिर कहें सावधानियां हैं जिनका ध्यान रखना आवश्यक है। आइए डालते नजर। बाग में अमरूद की ताइवान किंग वैरायटी के अच्छे उत्पादन से उत्साहित हैदर अली ने अपना सारा ध्यान अमरूद के बाग पर लगाया और बाग में दूसरी वैरायटी के पौधों को लगाकर मल्टीपल अमरूद वाला बाग बना डाला। इनकी कोशिश है कि जब व्यापारी इनके बाग में आए तो हर किस्म का अमरूद मिले। हैदर अमरूद के पौधे लगाने वाले दूसरे किसानों को भी गाइड करते हैं। मेरे पास मल्टीपल वैरायटी रहे कि कोई भी ट्रेडर बाहर से आए तो उसको मैं मल्टीपल चीज़ें दे पाऊँ, सिर्फ एक वैरायटी ना दे पाऊँ, उसे मैं मल्टीपल चीज़ें दे पाऊँ। तो मैंने उससे फिर कांटेक्ट करा, इनकी नर्सरी छत्तीसगढ़ में थी, मैंने उनसे कांटेक्ट करा, फिर मैंने VNR की पौध भी इस साल लगाई।
इस साल की विनर के बाद, और कमाल की बात यह है कि जो पहले के पौधे होते थे उनको 2-3 साल तक आपका पता ही नहीं लगता था कि आप फसल कब आएगी, लेकिन अब ये पौधे इतने एडवांस, इतने हाइब्रिड, इतने अच्छे हैं कि 1 साल के बाद आपको फसल आना शुरू कर देती है। तो इस साल की अगर बात करें तो मेरा ताइवान पिंक भी निकल रहा है और पिछले साल जो लगाया हुआ वीएनआर है उसमें भी फसल आना शुरू हो गई है। तो अब ये सक्सेस देखते हुए पिताजी बहुत खुश हुए कि अब ये काम अच्छा हुआ है। तो ये देखते देखते जो था, अब इस बार हमने एक नई वैरायटी है जिसका नाम है जापानीज रेड डायमंड, वो मंगाई है जो इस बार हमारा प्लांटेशन हुआ है। तो ये जो जर्नी रही है ये हमेशा से इतनी स्मूथ तो नहीं थी, शुरुआत में बहुत परेशानी आई क्योंकि हमें ना समझ नहीं थी चीज़ों की, और करते करते अब ये जर्नी इतनी अच्छी हो गई कि अब ऐसा लगता है कि ये सब चीज़ें हमने पहले क्यों नहीं शुरू करी। तो अब लोग आते हैं हमारे पास, पूछते हैं चीज़ों को लेके कि आप कैसे करते हैं, कहाँ से पौध मंगवाते हैं। तो जो गाइडेंस हमसे हो सकता है, जो हम उनको बता पाते हैं, वो हम उनको बताते हैं, उनको समझाते हैं ये करना। बस ये है कि इसमें रिस्क थोड़ा इन्वॉल्व होता है, मेहनत इन्वॉल्व होती है, कॉस्ट जो है, जो इसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट है, जो इसको लगाने की कॉस्ट है, इसको मेंटेन करने की कॉस्ट है, वो ज़्यादा है। लेकिन ये है कि फिर अगर आपको प्रॉफिट ज़्यादा चाहिए तो फिर आपको इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, इतना थोड़ा सा रिस्क उठाना पड़ेगा। तो ये चीज़ें जो अब हैं, अब मेरा जो आगे का प्लान है उसको भी ये करना है कि जब कोई ट्रेडर या हमारा बाहर से आए तो उसको मैं इतनी वैरायटीज दे दूँ गुआवा की कि वो मतलब उसके पास कोई कमी ना रहे कि अब मेरे को ये वैरायटी चाहिए या मेरे को ये वैरायटी चाहिए। तो मैक्सिमम से मैक्सिमम मेरी चीज़ें लगाने का है कि अब मैं करूं और लोगों के लिए प्रोवाइड करूं। अमरूद के पौधों को लगाने वाले नए किसानों को हैदर काफ़ी उत्साहित करते हैं। पारंपरिक अमरूद और नई वैरायटी के अमरूद के पौधों के बीच रहने वाले अंतर को बताते हुए हैदर कहते हैं कि नई वैरायटी के अमरूद के पौधे अच्छे संस्थान से ही लेना चाहिए और खाद पानी का सही ध्यान देकर उत्पादन बेहतर बनाना चाहिए। जो किसान भाई अभी इन पौधों के बारे में नहीं जानते या अभी तक नहीं लगाए हैं तो उनसे ये चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट, थोड़ा सा मुश्किल काम है, बहुत आसान नहीं रहता है क्योंकि आप देखते रहते होंगे YouTube पे कि 1 एकड़ से आपने 1 करोड़ कमा लिए, लेकिन वो 1 करोड़ कमाने हैं आपको तो उसके पीछे की कहानी जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये जब आप अलाबादी सफ़ेदा या L49 या ये सारी चीज़ें करेंगे उसके बाद आप इस पाएंगे तो बहुत ड्रास्टिक चेंज आएगा। पहली बात जो आपको मुश्किलात आ सकती हैं वो ये है कि आपको पौध महंगी मिलेगी। पौध महंगी मिलने के बाद आपके लिए ज़रूरी है कि आप किसी अच्छे ऑथराइज्ड जो कंपनियां हैं, जो डीलर्स हैं, जो करते हैं, या आपके जो सरकारी उद्यान हैं, जो सरकारी आपके रिसर्च सेंटर हैं, उनसे अच्छी आपको पौध कहीं नहीं मिल सकती। तो आपके लिए ज़रूरी है कि पहले आप पौध का चयन बहुत अच्छे से करें। चयन करने के बाद आप जब इनको लगाएंगे तो इसके बाद ये खाद पानी बहुत चीज़ें मांगती है। अब इसको लगाने के बाद आपको ड्रिप की भी आवश्यकता पड़ सकती है, तो आप अपने आप को तैयार रखें कि इसमें मेरा थोड़ा लागत लगनी है, आप ड्रिप लगवाएं। आप उसके बाद इसमें जो फर्टिलाइज़र या वो लगते हैं तो वो उस चीज़ का बहुत ध्यान देना है। पारंपरिक अमरूद और आधुनिक वैरायटी के अमरूद के पौधों में फल उत्पादन में काफ़ी अंतर है। नई वैरायटी के अमरूद के पौधों से बेहतर क्वालिटी के अमरूद प्राप्त करने के लिए फल की बैगिंग ज़रूरी है। फल को फोम नेट और प्लास्टिक से कवर करना ज़रूरी है जिससे आपको बेहतर फल मिल सके। पौधों की सही देखभाल करने से वे लंबे समय तक चलते हैं। इस बारे में आइए जानते हैं किसान हैदर अली से, उन्हीं की जुबानी। जो पहले अमरूद होता था उसमें बैगिंग की ज़रूरत नहीं होती थी, आप कर लेते थे काम, आप सब कुछ कर लेते थे, लेकिन ये फसल आप बिना बैगिंग, बिना फॉर्मनेट के आप इस सफल नहीं हो सकती। अगर आपको अच्छी फ्रूट क्वालिटी चाहिए तो आपको ये काम करना ही पड़ेगा। अगर आप ये नहीं करेंगे तो जो आपकी मेहनत है, जो आपका सब कुछ है, वो सब बेकार हो जाएगा। तो अभी आपने जाना कि अमरूद की खेती में कैसे आपको सावधानी के साथ आगे बढ़ना है ताकि किसी तरह का नुकसान ना हो। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम बात करेंगे कि कैसे हैदर अली ने नई तकनीक को अपने पारंपरिक तरीकों के साथ यहाँ पर अपनाते हुए आगे बढ़े और इसमें उनके पिता ने कैसे मदद की। कहीं मत जाइएगा, देखते रहें सफल किसान। रो
रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए। गोल्डी सब्जी मसाले, जहां जाए रिश्ते बढ़ाए। गोल्डी मसाले। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सफल किसान। आज के सफल किसान में हम बात कर रहे हैं आधुनिक तरीके से अमरूद की बागवानी करने वाले हैदर अली के बारे में, जो कि शाहजहांपुर से संबंध रखते हैं। आइए अब आपकी मुलाकात करवाते हैं उनके पिता से, जो कि पारंपरिक तौर पर खेती करते आए हैं, लेकिन आधुनिक तकनीक को अपनाने के बाद उनका क्या अनुभव है, आइए जानते हैं। गांव के बाग में परंपरागत अमरूद उगाने वाले हैदर अली के पिता तैसर अली अमरूद की नई वैरायटी लगाने को राजी नहीं थे। उन्हें आशंका थी कि इससे नुकसान उठाना पड़ सकता है, लेकिन अब वो अमरूद की नई वैरायटी ताइवान पिंक के बेहतर उत्पादन से बेहद खुश हैं। तैसर अली बताते हैं कि ताइवान पिंक लगाने से अच्छी इनकम हुई है। मैं पहले से ही फार्मिंग कर रहा था, जिसमें मेरे पास इलाहाबादी सफेदा अमरूद का बाग था, जो काफ़ी पुराना हो गया था। मेरे बेटे ने MBA करके जॉब कर ली थी और मेरे पास ज़रूरत थी इनकी, इसलिए मैंने इनको वहाँ से बुला लिया, क्योंकि मैं अकेले देख नहीं पाता था। अब ये इन्होंने आने के बाद में हैदर अली ने नई एक मालूमात की, इन्होंने बताया कि ताइवान पिंक जो है वो लगाना चाहिए। ताइवान पिंक के बारे में मुझे मालूमात नहीं थी, इन्होंने जब देखा और यहाँ हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से मालूमात की, तब उसके बारे में पता लगा तो इन्होंने मुझ पर ज़ोर दिया, तो मैंने उसको उसके लिए राज़ी हुआ, तब इन्होंने उसको ताइवान पिंक मंगाकर लगवाया। अमरूद की नई वैरायटी ताइवान पिंक से हुए फायदे से तैसर अली बेहद उत्साहित हैं। वो बताते हैं कि इसमें हॉर्टिकल्चर विभाग के अधिकारियों ने काफी मदद की। परंपरागत खेती करने वाले तैसर अली अब इतने उत्साहित हैं कि उन्होंने अमरूद के पुराने पौधों को निकलवा कर नए पौधों को लगवा दिया है। तो जब इन्होंने ताइवान पिंक लेकर लगाया और उसमें हॉर्टिकल्चर वालों ने मेरी काफ़ी उसमें मदद की और इसमें सब्सिडी वगैरह भी दी, और उसके बाद जब साल भर के बाद इसका प्रोडक्शन निकला तो शुरू में तो थोड़ी परेशानी हुई मार्केटिंग में भी और उसमें, लेकिन अब 2 साल से इसमें काफ़ी अच्छा प्रॉफिट भी है और मार्केट में बहुत अच्छी तरह से निकल जाता है। आज की कृषि आधुनिक कृषि है और इसे हैदर अली अपना चुके हैं, लेकिन ये सब कुछ इतना आसान भी नहीं था। जी हाँ, उनकी मदद की कृषि अधिकारियों ने और उनके मार्गदर्शक बने। आइए जानते हैं उनसे किस प्रकार युवाओं को प्रोत्साहित कर रहे हैं। पिछले कुछ सालों में भारत ने दुनिया भर में खाद्य एवं फल आपूर्ति सुनिश्चित करके प्रमुख कृषि प्रधान देश की इमेज बनाई है, और ये संभव हुआ है कृषि अधिकारियों की ओर से किसानों को मिलने वाली कृषि संबंधी मार्गदर्शन से। शाहजहांपुर में अमरूद उत्पादन बढ़ाने के लिए उद्यान अधिकारी राघवेंद्र सिंह का प्रयास किसानों का हौसला बढ़ाने में कामयाब रहा है। अमरूद की ताइवान पिंक वैरायटी के फायदे और इसको लगाने पर मिलने वाली सब्सिडी के बारे में बता रहे हैं जिला उद्यान अधिकारी राघवेंद्र सिंह। यहाँ पर भारत सरकार जो स्कीम है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, उसमें जो अमरूद की खेती के लिए हम लोग सब्सिडी देते हैं। अमरूद खेती में सामान्यतः यहाँ पर जो वैरायटी है वो L49 अलावा सफ़ेदा और ताइवान पिंक वैरायटी को बहुत प्रचलन में है। अभी किसान सबसे ज़्यादा जो वैरायटी को अडॉप्ट कर रहे हैं वो ताइवान पिंक वैरायटी है। ताइवान पिंक वैरायटी को हम लोग 2 तरीके से यहाँ ग्रो करते हैं, एक तो हाई डेंसिटी प्लांटिंग सिस्टम है 3x3 मीटर पे, और दूसरा 6x6 मीटर पे। इसको यहाँ पे अडॉप्ट किया गया है और उसका जो प्रोडक्शन भी बहुत अच्छा है, उसमें जो पिंक कलर डेवलपमेंट उसके फ्लेश में होता है वो भी बहुत अच्छे तरीके से होता है। यहाँ पर जो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत इसमें जो हम लोग सब्सिडी देते हैं वो 19,000 रुपये सब्सिडी है। उसमें हम लोग पहले साल 11,000 सब्सिडी देते हैं, फिर सब्सिक्वेंट हम लोग 3,800 के आसपास सब्सिडी देते हैं अनुरक्षण के लिए। अमरूद की ताइवान पिंक वैरायटी लगाने के कई फायदे हैं। इस वैरायटी के फल बेहद अच्छे हैं और इसका रेट भी बेहतर मिलता है। ताइवान पिंक के फल की अगर बैगिंग की जाए तो इसके उत्पादन लागत में भी कमी आएगी। आइए जानते हैं इस बारे में जिला उद्यान अधिकारी राघवेंद्र सिंह से। इसका ये जो वैरायटी है
हमारे देश में ताइवान से ही इसको इंट्रोड्यूस किया गया और यहाँ पर जो हमारे वैज्ञानिकों ने इसको एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशन के हिसाब से और यहाँ के क्लाइमेट के हिसाब से इसको एक इनमें आया है। इस वैरायटी की सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि इसमें जो फ्रूट क्वालिटी है वो यूनिफॉर्म रहती है, इसमें इसमें कलर डेवलपमेंट बहुत अच्छा होता है और इसका जो आउटर सरफेस है वो ग्रीन और पिंक, ग्रीन और येलो कलर देके डेवलप होता है इसका। इसके साथ ही साथ इसका जो मार्केट में रेट है वो सामान्यतः किसान थोक के भाव में लगभग 50 रुपये केजी के हिसाब से जाता है और मार्केट में इसका जो जो रिटेल प्राइस है, जो फुटकर रेट है, वो 80 से 90 रुपये केजी है। इसमें वैरायटी में जो हम लोग क्या करते हैं, अगर किसान को इसकी खेती करना है तो सबसे पहले इसमें एक फ्रूट फ्लाई डिजीज होता है और एंथ्रेक्नोज डिजीज होता है। तो जैसे ही फ्लावरिंग के बाद, फ्लावरिंग टाइम पर हम लोग क्या करें कि जैसे ही फ्रूट का डेवलपमेंट होता है तो किसानों को इसमें प्रॉपर बैगिंग करना चाहिए। बैगिंग के साथ ही साथ इसमें हम लोग स्प्रेइंग, इसमें किसान को स्प्रेइंग कम करना पड़ेगा इसमें इसका, जिससे किसान का कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन कम हो जाएगा। हम लोग सिंचाई के लिए जो भारत सरकार का ही एक स्कीम चल रहा है, हमारे विभाग से ही है, जिसको हम लोग बोलते हैं पर ड्रॉप मोर क्रॉप माइक्रो इरीगेशन। पर ड्रॉप मोर क्रॉप माइक्रो इरीगेशन में हम किसानों को सब्सिडी देते हैं, जिसमें जो लघु सीमांत कृषक हैं उसको हम लोग 90% तक सब्सिडी देते हैं, सामान्य कृषक को 80% सब्सिडी देते हैं। उससे अगर उस योजना में अप्लाई करके किसान अपने खेतों में माइक्रो इरीगेशन से ड्रिप इरीगेशन सिस्टम लगवा सकता है, जिससे एंथ्रेक्नोज जैसी डिजीज हैं और जो दूसरी डिजीज हैं जिससे कि वहाँ पे जो वीट डेवलपमेंट होता है, ठीक है, वो कम होगा, जैसे ज़्यादा अच्छा उनका उत्पादन मिल सकता है। भारत में उगाई जाने वाली बागवानी फसलों में अमरूद को विशेष स्थान हासिल है। देश के विभिन्न क्षेत्रों में अमरूद को बड़े चाव से खाया जाता है। भारतीय अमरूद की विदेशों में भारी मांग है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के ताजा आंकड़ों पर नजर डालें तो अमरूद के निर्यात में वर्ष 2013 से लेकर अब तक 260% की वृद्धि हुई है। उन्नत अमरूद की किस्मों की बांग्लादेश, नेपाल से लेकर नीदरलैंड, संयुक्त अरब अमीरात, ईरान, ओमान, कतर और सऊदी अरब में भी भारी मांग है। वर्ष 2021-22 में भारत ने 15 करोड़ रुपए से ज्यादा के मूल्य के अमरूद का निर्यात किया है। तो ये था हमारा आज का सफल किसान, जिसमें हमने जाना कि कैसे अमरूद की खेती में भी अच्छा लाभ कमाया जा सकता है। बस आवश्यकता है अच्छी किस्मों का, वैज्ञानिक किस्मों का चुनाव करना और नवाचार को कृषि में शामिल करना, जो कि हैदर अली ने कर दिखाया है। आशा करते हैं कि आज के सफल किसान से हमारे अन्य किसान भी प्रेरित होंगे। अगर आपके कोई सुझाव है, कोई फीडबैक है, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी नोट कर लें। हमारा ईमेल आईडी है safalkisan@gmail.com। आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं। पत्र लिखने के लिए हमारा पता नोट कर लें। सफल किसान, कमरा नंबर 77, CPC, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। सफल किसान आप किसानों का अपना कार्यक्रम है। आपके ईमेल्स और आपके पत्रों का हमें इंतजार रहता है। आपके सुझाव हमें कार्यक्रम को बेहतर करने में मदद करते हैं। इसी के साथ ही यहाँ लेंगे आपसे इजाज़त। सफल किसान के नए अंक में सफलता की कुछ और कहानियों के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।